देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर महुआ खेड़ा से है। श्रम विभाग, उत्तराखंड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों को राशन किट उपलब्ध कराई जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को औद्योगिक क्षेत्र महुआ खेड़ा गंज में स्थानीय बारात घर में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तराखंड श्रम विभाग के सदस्य अमित कुमार ने पूर्व सभासद परवेज आलम के अथक प्रयासों से एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में 320 जरूरतमंद श्रमिकों को राशन के किट वितरित कराई। इस मौके पर श्रम विभाग के सदस्य अमित कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए चलाई जा रही यह योजना धरातल पर पत्थर साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की पुत्री के विवाह के लिए 51,000 की धनराशि, प्रसूति महिलाओं के लिए 10,000 तथा आगे की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई बुनाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को 4,000 की धनराशि प्रदान की जाएगी। साथ ही श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा अर्जित कराने हेतु भी धनराशि उपलब्ध कराने का मानदेय रखा गया है। इस मौके पर पूर्व सभासद परवेज आलम ने कहा कि श्रम विभाग व सरकार द्वारा श्रमिकों के हित में अनेकों योजनाओं का क्रियान्वित किया जा रहा है और इस योजना से लाभान्वित हो रहे श्रमिकों के हितों का सरकार द्वारा ख्याल रखा जा रहा है, जो प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि आगे भी श्रमिकों के साथ गरीब जरूरतमंद परिवारों के लिए सरकार की तरफ से इसी तरह से नई नई योजनाएं चलाई जाएं, जिससे मजदूर व खेतीहारी वर्ग का भला हो सके। उन्होंने कहा कि इस किट में आटा, दाल, चीनी, चाय पत्ती, नमक, मसाले, साबुन और अन्य जरूरी सामान की मात्रा शामिल है, जिससे महीने भर का गुजारा हो सकेगा। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग प्रभावित हुआ। इसी को देखते हुए सरकार श्रमिक वर्ग को लगातार राहत देने की कोशिश में जुटी है। इससे पहले तत्कालीन सहायता के तौर पर श्रम विभाग ने प्रदेश के श्रमिकों को पिछले 2 महीने के दौरान 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई थी। इसके बाद अब श्रम विभाग, उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों को प्रदेश में राशन किट उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। आप देख रहे हैं रियाज अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।